नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अरुणा एंटनी, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रिनल ट्रांसप्लांट सर्जन, दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट पे, जिसको हिंदी में गदूद भी बोला जाता है। बहुत कन्फ्यूशन है लोगों को, अब क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, किस में होता है। पहला सवाल किस में होता है, जिसका जवाब है सिर्फ मर्दों में, लेडीज में होता ही नहीं है। इट इज़ प्योरली अ मेल ऑर्गन। अब किन किन मर्दों में होता है? हर मर्द को प्रोस्टेट होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, जो लड़का है, तो उनमें भी प्रोस्टेट होता है। उस समय वो एक अखरोट के साइज जितना होता है। धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता रहता है। ये जो ग्रोथ होती है प्रोस्टेट की, ये मर्दाना हॉर्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट होता है। धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज बड़ा होता है। कब तक? मरते दम तक। जब तक एक व्यक्ति मर नहीं जाता, तब तक प्रोस्टेट बड़ा होता रहेगा। इस एक एस्पेक्ट में प्रोस्टेट बाकी सारे ऑर्गन से अलग है। हमारे कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जो मरते दम तक ग्रो करे, सिवाय प्रोस्टेट के। अब ये जब सब में होता, अब एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि लोगों को दिखता तो है नहीं। ये पेशाब का थैले में जब यूरिन कलेक्ट होता है, वो लिंक के थ्रू, जो पेशाब का रास्ता है, उसके थ्रू बाहर निकलता है। तो इसका जो जंक्शन होता है पेशाब के थैले और लिंक के थ्रू जो पेशाब का रास्ता जा रहा है, उसका जो जंक्शन है, उधर प्रोस्टेट होता है। मैं कोशिश करूंगा इसकी कुछ इमेजेस अपलोड कर दूं आपको ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप अगर ये इमेजेस देखेंगे, ये पेशाब का थैला है, ये लिंक के थ्रू पेशाब जाने वाला रास्ता है, ये जो मैंने स्ट्राइएशंस मार्क में मार्क किया हुआ है, ये ऑर्गन है प्रोस्टेट। जब ये बड़ा हो जाता है, तो ये पेशाब के रास्ते को कंप्रेस करने लगता है। क्योंकि ये पेशाब के रास्ते को कंप्रेस करने लगता है, तो सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं कई बार जब प्रोस्टेट बड़ा होने लगता है, वो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स आखिर है क्या? जो एक इनिशियल सिम्टम जो कई बार ही पाया जाता है, वो ये है कि लोगों को रात को उठना पड़ जाता है, नींद में से उठते रहना पड़ता है। कई बार एक बारी, दो बारी, कुछ लोगों को हर घंटे रात को नींद में से उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। इसके अलावा क्या सिम्टम्स होते हैं? एक, उनको पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, पेशाब रुक रुक के जाता है, पेशाब की धार कमजोर होती है, पेशाब करने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि अंदर पेशाब बचा हुआ है। हो सकता है कि क्योंकि पेशाब ढंग से खाली नहीं हो पा रहा है, तो बार बार उनको पेशाब करने जाना पड़े। कई बार इरिटेटिव सिम्टम्स बोलते हैं, जब मतलब पेशाब आता है और भाग के बाथरूम जाना पड़ता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है। तो ये सारे एक बेसिक सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। अब ऐसे में जब ये होता है जिनको, उनको ट्रीटमेंट क्या करें? एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि एज ग्रुप क्या है। देखिए, प्रोस्टेट ऐसा तो नहीं है कि ये पैदाइशी और सबको पैदाइशी ये सिम्टम हो रहे हैं। प्रोस्टेट के सिम्टम्स डेवलप करते हैं अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर द एज ऑफ 50 मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 50 टू 60 एज ग्रुप में जो है, अराउंड 50% लोगों को ये सिम्टम्स होने लगते हैं। जब 60 टू 80 एज ग्रुप में अराउंड 50-70% लोगों में होने लगते हैं, और जब 80 साल से ऊपर की एज हो जाती है, तो 90% लोगों में प्रोस्टेटिक सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसके दो ही ट्रीटमेंट है, या तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या सर्जरी। अब अगर इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं, वो ये होते हैं कि एक, आपको रात को सोने से 3 घंटे पहले अपना फ्लूइड इंटेक थोड़ा कम करना चाहिए। क्यों? तो एक इसमें बड़ा डिस्टर्बिंग सिम्टम होता है नॉक्चूरिया, यानी रात को नींद में से उठना। अब जब रात को नींद में से बार बार उठना पड़ता है, तो पेशेंट को स्लीप डिप्रिवेशन भी होता है, उनका नेक्स्ट डे भी काफ़ी टायरसम निकलता है। तो इस वजह से सोने से 3 घंटे पहले उनको अपना फ्लूइड इंटेक कम करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसके लिए या तो इनको मेडिसिन लेने पड़ेंगे, या हाई फाइबर डाइट लेना पड़ेगा। और क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप मेडिकेशंस पे हैं, तो ये मेडिकेशंस आपको चलेंगी लाइफ लॉन्ग। हाँ, ये अलग बात है कि आपको बीच बीच में यूरोलॉजिस्ट बुलाएंगे, आपका फ्लो, जो यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट होता है, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह देख के असेस किया जाएगा कि आपको दवाई से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर आपको दवाई से फायदा हो रहा है तो आप दवाई पे रह सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल या तो आपको कुछ इंडिकेशंस है जो कि ये बोलते हैं कि आप दवाई के लिए कैंडिडेट नहीं है, आप एक सर्जिकल कैंडिडेट हैं, या आप दवाई ज़िंदगी भर खाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो क्या क्या इंडिकेशंस है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लो आपके किडनी पे दबाव पड़ रहा है, आपके ब्लैडर में फ़र्क पड़ रहा है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार पेशाब में खून जा रहा है, कई बार पेशाब के थैले में स्टोन्स बन रहे हैं, इस तरह के कुछ इंडिकेशंस में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वरना अगर आप दवाई से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप दवाई पर रह सकते हैं। और प्रोस्टेट के लिए जो सर्जिकल ऑप्शन है वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, या तो लेज़र से कर सकते हैं जिसको होलेप बोलते हैं, या TURP। दोनों में डिफरेंस ऑफ एनर्जी का जो एनर्जी यूज होती है प्रोस्टेट को कट करने के लिए वो डिफरेंट है। होलेप में लेज़र यूज होता है और TURP में इलेक्ट्रोकॉटरी यूज होती है। दोनों के दोनों ही एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, दोनों ही दोनों दूरबीनी है, इसका मतलब स्कारलेस सर्जरी है, प्योरली स्कारलेस है दोनों के दोनों। और पेशेंट को कई बार, इनफैक्ट मेरे तो 75% पेशेंट्स नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं, बाकी 25% पेशेंट्स को मैं एक दिन और रख लेता हूँ एंड आई डिस्चार्ज देम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। सो दिस इज इन अ वेरी कंसाइज मैनर व्हाट एग्जैक्टली द प्रोस्टेट इज और क्या सिम्टम्स होते हैं। बाकी डिटेल में मेरी इस पर टॉक है विथ RJ योगी एज वेल एज मेरी एक फेसबुक टॉक है। लेट मी सी कि मैं उसका लिंक यूट्यूब में शेयर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो इफ पॉसिबल तो गो टू दैट लिंक एंड हैव अ लुक एट दोज वीडियोज। थैंक यू।